सावन माह के दूसरे सोमवार शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर भगवान की पिंडी को श्री तिरुपति बालाजी स्वरूप में अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यह शेष देखने के लिए देर रात तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। वही महाआरती का भी आयोजन किया था। मराठी भाषियों को दूसरे सोमवार को सुबह से ही शहर के आराध्य देवता श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं समेत जलाभिषेक करने हेतु कांवड़ियों की भीड़ उमड़ गई थी। देर रात तक बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने तथा जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही थी। इस साल सावन सोमवार को विशेष महत्व है। दूसरी ओर शिव भक्तों में भगवान भोलेनाथ के प्रति लगातार बढ़ रही आस्था के कारण जलाभिषेक करने तथा बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की होड़ सी मची हुई है। रात के समय श्री राजराजेश्वर महाराज को श्री तिरुपति बालाजी भगवान के रूप में सजाया गया था। यह शेष देखने के लिए देर रात तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में भीड़ की थी। रात 10 बजे श्री राजराजेश्वर भगवान की महाआरती की गई। इस महाआरती के कारण पूरे मंदिर परिसर में एक अलौकिक वातावरण की अनुभूति महसूस हो रही थी। हर हर महादेव तथा वेंकट रमन गोविंदा गोविंदा की जय जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा था। पूरे दिन भर मंदिर परिसर में महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ मंदिर परिसर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने किया। वही दूसरी ओर श्री रानी सती धाम मंदिर परिसर में स्थित भगवान भोलेनाथ की पिंडी को विविध फलों की सहायता और अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यहाँ भी सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।